society. देखिए जिसे हम संस्कार कहते हैं वो एक समाज का सामूहिक कर्म है इस संस्कृति में हमने संस्कार बनाए रखने के लिए बहुत सी चीज़ें की आज भी गांव में कई बार हिंसक झड़पें हो जाती हैं अगर ऐसे लोगों के बीच विवाह हो जाए जो अपने कुल वंश को मिला देते हैं जो एक तरह से अपने कुल वंश की रेखा को धुंधला कर देते हैं ये कोई ऊंच नीच की बात नहीं है वो इसे बनाए रखे हुए हैं ताकि इस कुल इस कुल वंश के लिए उनके पास एक देवता होंगे जिसे उन्होंने बनाया है वो सिर्फ उसी कुल वंश के लिए मददगार होते हैं इसे ही कुल देवता कहते हैं वो सिर्फ उसी कुल वंश के लिए मददगार होते हैं इसलिए सिर्फ उसी कुल के लोग उस मंदिर में जाते हैं बाकी नहीं जाते क्योंकि वो उनके लिए कारगर नहीं होता तो उन्होंने लोगों के इस कुल वंश के नक्शे को बनाए रखा और वो दस बारह पीढियां पीछे देखकर कहते हैं अच्छा वो इस कुल वंश की है इसका कुल वंश ठीक है उनकी शादी हो सकती है इनकी शादी नहीं हो सकती इस तरह से वो तय करते हैं क्योंकि आजकल इन्हें गोत्र आदि कहते हैं अब इसे बकवास मानकर नष्ट किया जा रहा है हाँ इसके नाम पर क्रूरतापूर्ण चीज़ें हुई हैं ये सच है मगर पहले एक बहुत गहरी समझ थी क्योंकि शिक्षा ऐसे ही दी जाती थी जब कोई यूनिवर्सिटी कोई स्कूल कुछ नहीं होते थे ये संस्कृति अपना हुनर आसानी से हजारों सालों तक आगे प्रदान करती रही क्योंकि उन्होंने संस्कार को बनाए रखा उदाहरण के लिए मान लेते हैं आप जानते हैं आचार्य होते हैं जो एक विशेष जाति या कुल है इसी तरह इसमें सुनार हैं बढ़ई हैं लोहार हैं जो लोग कारीगर हैं मगर एक सोनार की बेटी लोहार के बेटे से शादी नहीं करेगी वे वही शादी करेंगे क्योंकि ये संस्कार है देखिए ऐसा लग सकता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है क्यों कोई किसी भी परिवार में जन्म लेकर यह काम नहीं सीख सकता यह अलग बात है मगर ऐसा पाया गया है चूहों के साथ एक प्रयोग किया गया उन्होंने ये किया उन्होंने किसी चीज वगैरह पर एक चेरी ब्लॉसम की खुशबू डाली जब चूहा उसे खाने गया तो उन्होंने कुछ बार उसे बिजली का झटका दिया और आपको पता है चूहे की अगली सात पीढ़ियां कभी चेरी ब्लॉसम की खुशबू के आसपास भी नहीं गई चेरी ब्लॉसम की गंध का मतलब उन्हें भाग जाना है क्योंकि यह संस्कार है जो उन्हें मां बाप से मिल रहे हैं यह सूचना ट्रांसफर हर समय चलता रहता है अब हम बात करते हैं कि कैसे पेड़ आसपास में लेन देन करते हैं ये सब जब हम पहले बोलते थे तो इसे मूर्खता समझा जाता था जैसे मेरी परदादी सिर्फ चिड़िया और चींटियों वगैरह को खाते देख उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और अगर आप पूछें आप क्यों नहीं खा रही वो कहती मेरा पेट भर गया है और उनका पेट भर जाता था उन्हें पूरा पोषण मिलता था कोई इस पर सवाल नहीं कर सकता था क्योंकि वो 113 साल तक जीवित रहीं तो आज धीरे धीरे इस बारे में बातें हो रही हैं मगर सिर्फ भौतिक संदर्भ में किस तरह शारीरिक रूप से पोषण मिल रहा है ऐसा हो रहा है यह साझा हो रहा है यह सब मगर भौतिक चीजों से परे जीवन है जिसमें लेन देन हो रहा है तो उन्होंने लोगों पर बहुत ध्यान केंद्रित किया ताकि एक संस्कार बने एक समूह के लिए लोगों का एक संस्कार होता है दूसरों का अलग संस्कार होता है तो उनमें वो गुण और वो जीवन शैली स्वाभाविक रूप से आ जाती है ये सारी चीजें बिगड़ गई जब लोगों ने एक दूसरे में भेदभाव करना शुरू कर दिया सुनार को लगता है कि वो लोहार से श्रेष्ठ है और आप जानते हैं ऐसी समस्याएं बाद में आई मगर जिस तरह से उसे बनाया गया था वो ज्ञान कुशलता और तमाम तरीके प्रदान करने का एक परफेक्ट तरीका है मगर वो सब अब बिगड़ गया है अब कोई फ़ायदा नहीं है हम वैसे भी उसे नहीं कर सकते तो जिसे आप संस्कार कहते हैं वो एक सामाजिक कर्म है और जैसे कि मुंबई में रहते हुए क्या आपके अंदर एक मुंबई वाला संस्कार नहीं है ना उसका अपना संस्कार है तो इसी तरह हर समुदाय हर समाज के अपने संस्कार हैं और लोग संस्कार से भी अपना जीवन अच्छा या बुरा बना लेते हैं संस्कार से ऊपर उठने के लिए आपको आध्यात्मिक प्रक्रिया की जरूरत होती है वरना कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो अपने परिवार समाज कैसी भी धार्मिक क्रियाओं से प्रभावित नहीं रहे हैं वो उन चीज़ों को ना करते हुए भी प्रभावित होते हैं है ना जो मजबूती से आध्यात्मिक प्रक्रिया पर है सिर्फ वही वातावरण से प्रभावित नहीं होता वो उसके ऊपर उठ जाता है